अस्सलाम वालेकुम वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूं। अलफला कराची के इलाके से गायब होने वाली 14 साल दुआ जहरा के हवाले से एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर में इन्होंने निकाह कर लिया है। जी हाँ, 14 साल दुआ जहरा जिसके बारे में बात करी जा रही है, हर तरफ हर न्यूज़ चैनल हर घर में बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन्होंने निकाह कर लिया है और शब्बीर शाह नामी लड़के से उन्होंने निकाह करा है और पुलिस के ज़राए जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने निकाह कर लिया है। लेकिन साथ ही मैं बात आपको ये बताऊं, अभी उनके वाले से जब मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस ज़राए झूठ कह रहे हैं। जी हाँ, उनके वालिद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बातें पहले भी की जा रही थी, सिनेरियो हमने आपको पूरा दिखाया, उनकी गली में खड़े होकर जब हमने अपना ब्लॉग शूट किया था तो हम आपको ये बता रहे थे कि गली में जो है वो किस जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ खड़े होकर वो लड़की कचरा रखकर आई थी और जब अपने गेट का हमने आपको उनका फासला बताया था कि कहाँ उनका घर है, कहाँ वो जगह है जहाँ उन्होंने कचरा रखा था, कहाँ वो जगह है जहाँ मजदूर बोरिंग कर रहे थे, हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया था। लेकिन अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि दुआ जहरा ने निकाह कर लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और नेशनल लेवल पे बात हो रही थी, FIA की टीम उनके घर पे आके बैठी थी, सारी जगह पूछताछ हुई है, गली वालों से पूछताछ हुई है, जो उनकी बिल्डिंग में लोग रहते थे उनसे पूछताछ हुई है, यहाँ तक उन मजदूरों से भी पूछताछ हुई है, उनको हवालात में ले जाया गया। और अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दुआ जहरा का निकाह हो चुका है। निकाहनामे की कॉपी भी इससे पहले भी जो है वो न्यूज़ चैनल ने दिखाई थी लेकिन उसकी तस्दीक नहीं की थी, लेकिन आज न्यूज़ चैनल दोबारा इस बात को बता रहे हैं, ये बात दोबारा सोशल मीडिया पे आ गई, वो निकाहनामे की कॉपी भी जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि दुआ जहरा ने निकाह कर लिया है। तो पुलिस जहरा के मुताबिक उनको वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ, उन्हें कराची वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, 10 दिन हो चुके इस मामले को। जी हाँ, 7 दिन जब हुए थे तो हमने आपको एक व्लॉग शूट करके दिखाया था उनके घर के बाहर क्या माहौल था, उनके घर उस पर पुलिस FIA ये सारे इदारे मौजूद थे और अब आज 10 दिन हो चुके हैं और ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि दुआ जहरा ने निकाह कर लिया है। अभी उनके वालिद से बात हुई है मेरी तो वो कह रहे हैं कि ये गैर मुसद्दिका खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इस मामले में और क्या डेवलपमेंट होती है। अगर ऐसा हुआ है तो दुआ को कराची जरूर लाया जाए, वरना ऐसे बहुत सारे केसेस दोबारा देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मजीद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस मामले की सदाकत का पता चल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस वाकये की आगाही हो, इसका इल्म हो कि इस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हम लम्हा ब लम्हा आपको इस केस से रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।